Hello everyone, welcome to my channel. Today we are going to draw a 3D snake. तो इसके लिए हमें सबसे पहले सिंगल लाइन ड्रॉ करनी है. आप देख सकते हो काफ़ी आसान है. कुछ इस तरीके से आपको सिंगल लाइन ड्रॉ करनी है. आप एच पेंसिल का यूज़ कीजिए, लाइटेस्ट पेंसिल होती है ये. ओके, और कुछ गलती हुई तो आप इसको इरेज करें और ठीक करें. अब देखिए सिंगल लाइन हो गया है. अब हमें इसको डबल लाइन करना है लाइक दिस. देखिए रेफरेंस हमने सिंगल लाइन से स्टार्ट किया, फिर हमने इंस्टेंटली उसको डबल लाइन किया. देखिए आपकी ड्राइंग की स्पीड जो है इस टेक्निक से काफ़ी बढ़ जाती है और ड्राइंग काफ़ी अच्छा दिखता है. देखिए स्नेक कुछ इस तरीके से होता है, राइट. देखिए काफ़ी आसान है, जस्ट धीमे धीमे आप मेरे स्टेप्स को फॉलो कीजिए एंड यू विल डेफिनेटली गेट अ बेटर रिजल्ट. देखिए अभी मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेक्शन है स्नेक का फेस. देखो यहाँ पे थोड़ा बहुत आपको डिटेलिंग है, बाकी सब इजी है. देख सकते हैं यहाँ पे, बस यहाँ पे आपको ध्यान देना है. ओके, सी आई एम यूजिंग मैकेनिकल पेंसिल, ये लाइटेस्ट होती है और इरेज करने में काफ़ी आसान हो जाता है. देखिए कुछ इस तरीके से पैटर्न्स होते हैं कोबरा स्नेक में लाइक दिस. चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए गाइस एंड बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि मैं जब भी वीडियोस अपलोड करूँ तो आपको नोटिफिकेशन मिले. देखिए फाइनली आपका जब स्केच हो जाएगा तो उसको डार्क शेड यूज़ करना है 6B का और उसको बॉर्डर आउटलाइन दे देना है. ओके लाइक दिस. काफ़ी आसान है. ओके ड्राइंग इज कंप्लीटेड. सी गाइस अभी स्नेक के अपर पोर्शन पे कुछ पैटर्न्स होते हैं, अब हम उसे ड्रॉ करेंगे लाइक दिस. आपको पैटर्न्स बनाने हैं. देखिए छोटे छोटे ट्रायंगल्स, स्क्वेयर्स, इस तरीके से पैटर्न्स होते हैं. तो आपको इसको पहले अच्छे से ड्रॉ करना है लाइक दिस. आप ड्यूरिंग नागपंचमी आप इस ड्राइंग को ड्रॉ कर सकते हो, 3D कोबरा स्नेक. देखिए गाइस पैटर्न्स ड्रॉ किया है हमने अच्छे से, अब बस इसे फिल करना है. मैंने 6B पेंसिल का यूज़ किया है इसे फिल करने में. ओके तो चलिए तो कुछ इस तरीके से आपको पैटर्न्स कंप्लीट करना है एंड इस पोर्शन पे आपको नीचे से ऐसे कर्व लाइन ड्रॉ करनी है. ओके देखिए काफ़ी आसान है. ओके तो चलिए पैटर्न कंप्लीट करते हैं लाइक दिस. ओके स्केचिंग करते वक्त आपको 2B, 3B या 4B लाइटेस्ट शेड यूज़ करना है एंड 6B जहाँ पे डार्क हमने किया है वहाँ पे यूज़ करना है लाइक दिस. देख सकते हैं गाइस काफ़ी आसान ड्राइंग है. देखिए अभी शैडो पोर्शन है तो मैंने यहाँ पे 3B पेंसिल का यूज़ किया है. ओके एंड स्मूदिंग के लिए आपको कॉटन यूज़ करना है या फिर कपड़ा या फिर आप स्टम्प भी मिलता है वो भी यूज़ कर सकते हो. मैं कॉटन यूज़ करता हूँ. ओके लाइक दिस. इट्स वेरी सिंपल ड्राइंग. देखिए कॉटन यूज़ करेंगे तो ब्लेंडिंग काफ़ी अच्छा आएगा लाइक दिस. सी गाइस अभी ये 3D में हम देख रहे हैं, अभी देख सकते हैं जैसे ही हमने कैमरे का एंगल चेंज किया 2D ड्राइंग 3D में कन्वर्ट हुई. तो इसी आर्ट फॉर्म को एनामोर्फिक आर्ट फॉर्म, इल्यूजन आर्ट फॉर्म कहते हैं. आई होप गाइस दिस न्यू आर्ट फॉर्म आपको बहुत ज़रूर पसंद आया होगा. अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो अब आने वाले समय में बहुत से ऐसे 3D वीडियोज़ आने वाली है तो चैनल को जल्द से जल्द आप सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को दबा दीजिए
ताकि मैं जब भी वीडियोस अपलोड करूँ तो आपको इसकी नोटिफिकेशन मिल जाए। आई होप गाइस यू आर एंजॉयिंग दिस वीडियो एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। इन नेक्स्ट वीडियो यू विल डेफिनेटली गेट मोर 3D videos and with easy tutorials.